अस्सलामु अलैकुम डियर सिस्टर्स। सो टुडे सेकंड क्लास, और आज हम सीखेंगे किस तरह से आप लफ्ज़े अल्हम्दुलिल्लाह लिख सकती हैं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, आपको पेंसिल को अच्छे से टाइट कर लेना है और हरकात लगा के देखना है। हरकात परफेक्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको पेंसिल का सही एंगल बनाना होगा। एक पेंसिल थोड़ी ऊपर और एक पेंसिल हल्की सी थोड़ी सी नीचे रहेगी, और इस तरह से हमें 6 नुकात लगा लेना है, इवन 7 नुकात। और अब हम बनाएंगे लफ्ज़े अलीफ अच्छे से, आराम आराम से लेकर आएंगे हम नीचे। और अब हमें यहाँ पे लाके थोड़ा सा बेंड कर देना है इस तरह से। लास्ट वाली स्ट्रोक को हम मिला देंगे और ऊपर से इस तरह से लेंगे। बहुत ही ध्यान से वॉच करना है आपको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेटर है लाम, और लाम में हम इस तरह से हे मिला देंगे। अब हे को हम थोड़े इस तरह से लेके गए, अलीफ से ज़्यादा बाहर लेके गए, और अब हम बेंड करके नीचे की तरफ स्ट्रोक लेकर आएंगे। और यहाँ बना देंगे हम मीम इस तरह से, और ऊपर लेके जाएंगे। अब हम ये बना रहे हैं दाल की स्ट्रोक्स, और यहाँ से लेकर आएंगे ऊपर से इस तरह से कर देंगे, और ये स्ट्रोक बिल्कुल पतली सी आ जाएगी इस तरह से। इतना करने के बाद अब हम इस पे लाइंस कर देते हैं, और अब हम बनाएंगे अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह पहले आप लिख चुके हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, कर चुके हो, तो आपको ये बहुत आराम से लिखना आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर से लेना है, यहाँ से लेंगे आप और इसका कासा बना देंगे, और इस तरह से जॉइंट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक है उसको हम रफ़ कर देंगे। रफ़ किस तरह से करना है ये भी आप अच्छे से वॉच करिएगा। फर्स्ट देखिए इसको भी स्ट्रोक बना लेंगे, लाइंस कर लेंगे इन तीनों जगह पर। और अब हम लेंगे इरेजर और ये वाली एक्स्ट्रा स्ट्रोक को रफ़ कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको जो भी आपकी स्ट्रोक रफ़ हो गई है एक्स्ट्रा, उसको सेट कर देना है। हम इसके अंदर बहुत अच्छा वाला कलर कॉम्बिनेशन करने वाले हैं ब्लेंडिंग के साथ, इसलिए आपको ये वाला लेटर बहुत ही परफेक्ट लिखना है। अगर परफेक्ट ना आए तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आ जाएगा प्रैक्टिस से। और अब हम यहाँ पे कासा बना देते हैं, इसका भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक को रफ़ करते जाएंगे। और अब हम लगाएंगे ज़बर इस तरह से, ब्लेंडिंग करने के लिए आपको कलर चाहिए। कलर आप डॉम्स के ले लेना, और दूसरी बात ब्लेंडिंग के लिए आपको शीट चाहिए होगी, आइवरी या ऐसी शीट लेना जिसका GSM 180 से अबव हो, मींस जो थोड़ी सी मोटी हो, जैसे शादी कार्ड की शीट होती है थोड़ी सी मोटी टाइप में, उस तरह की आपको शीट लेनी है अगर आप चाहते हो आपका वर्क ब्लेंड अच्छे से हो। ये लेटर का ब्लेंडिंग वर्क आपका कल आ जाएगा इंशाल्लाह, आज आपको इतना ही करना है। और अब ये वाली स्ट्रोक इस तरह से दे देंगे, और ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अल्लाह ने आपको चुन लिया है इस काम के लिए, आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर पाए। आप बहुत नसीब वाले हैं जो अल्लाह का कलाम लिख पा रहे हैं। और कल हम इस तरह से ब्लेंड कर देंगे इस लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह को, और ये इस तरह से लुक दिखेगा इंशाअल्लाह।